ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के बाद में जिस भी डेट का आपको अपॉइंटमेंट मिला है, उस डेट को निर्धारित समय से आपको 30 मिनट पहले अपने आरटीओ ऑफिस में विजिट करना है। आरटीओ ऑफिस का जो एड्रेस है, आप जो प्रिंटआउट निकालते हैं उस पर आपको मिल जाता है। इसके बाद में ड्राइविंग लाइसेंस को बनवाने के लिए आपको साथी भवन का पता कर लेना है। आरटीओ ऑफिस में यह एक अलग केंद्र होता है, तो यहाँ पर आने के बाद में आपको टोकन वितरण केंद्र पर विजिट करना है और यहाँ पर आपको अपने दस्तावेजों को दिखाना है। जो भी आपने अपॉइंटमेंट बुक किया उसको दिखाना है और आप अपने ओरिजिनल दस्तावेज साथ में लेकर के आए हैं इसकी पुष्टि करना है, जिसके बाद में आपको यहाँ से एक टोकन प्रोवाइड किया जाएगा। टोकन मिलने के बाद में आप सारथी भवन के अंदर विजिट करेंगे और यहाँ पर आपको रेगुलर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अलग अलग काउंटर मिलेंगे, जहाँ पर आपको जिस भी तरीके का आपका ड्राइविंग लाइसेंस है उस काउंटर पर जा करके अपने दस्तावेजों को वेरीफाई कराना है। यहाँ पर आपके ओरिजिनल दस्तावेज डिमांड किए जाएंगे और साथ में जो आपने फॉर्म ऑनलाइन फिल किया है जिसमें आपकी फ़ीस की रसीद और जो प्रिंटआउट आपका निकला है और सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म, वो सारी चीज़ें यहाँ पर सबमिट हो जाएंगी। और यहाँ पर आपको एक स्लिप दी जाती है, जिस स्लिप के बिहाफ पर आप अपनी फोटोग्राफ को खिंचवाएंगे। यहाँ पर ये जो फोटोग्राफ खींची जा रही है, यही फोटोग्राफ आपके ड्राइविंग लाइसेंस पर आएगी। इतना करते ही आपका डॉक्यूमेंट का जो स्टेज है कंप्लीट हो चुका है। अब आपको अपना ड्राइविंग टेस्ट देना है। ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए रूम से बाहर की तरफ निकलेंगे, तो आपको अगर रेगुलर ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसमें आपको व्हीकल चला करके दिखाना हो, जिसके लिए यहाँ पर पट्टियाँ दी गई हैं जिस पर आपको अपना व्हीकल ड्राइव करना है। यहाँ पर ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए आपको अपना व्हीकल लेकर के आना है। बहुत सारे आरटीओ में यह सुविधा आपको मिल जाती है कि आप उनका ही व्हीकल इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसलिए आपको सबसे पहले तो पता कर लेना है कि आपके आरटीओ में ऐसी सुविधा उपलब्ध है या फिर नहीं है। सर, टेस्ट के लिए व्हीकल अपना लाना होता है या आप? नहीं, आप ले आवे तो भी ठीक है, नहीं तो यहाँ ट्रेनिंग स्कूल की खड़ी है। अच्छा अच्छा, तो इसके कुछ चार्जेस रहते हैं अगर दूसरे के? ठीक, तो यहाँ पर जैसे लर्निंग ड्राइविंग टेस्ट आपको देना है तो परीक्षण केंद्र के अंदर आप आएंगे, तो यहाँ पर आपको अपना फॉर्म, जो भी आपने सब डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर उनके पास प्राप्त हो जाते हैं। तो ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए आरटीओ ऑफिस में वेटिंग रूम में आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और आपको अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ेगा। लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के टेस्ट में आपको कंप्यूटर पर ही कुछ सवालों के जवाब देने होते हैं, जिसमें ट्रैफिक सिग्नल और ट्रैफिक रूल के बारे में आपसे पूछा जाता है। तो अगर आप यहाँ पर चार्ट पर जो भी सिग्नल बने हैं वो आप देख लेंगे तो उससे आपको काफ़ी कुछ आइडिया मिल जाएगा। अपनी बारी आने के बाद में आपको परीक्षण केंद्र के अंदर प्रवेश करना है और यहाँ पर आपको अपना सिस्टम लॉगिन करना है। लॉगिन करने में अगर आपको किसी भी तरीके की परेशानी हो तो वहाँ पर मौजूद कर्मी से आप मदद ले सकते हैं। इसके बाद में आपको कंप्यूटर पर करीब 15 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। यहाँ पर टोटल 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें आपको 9 क्वेश्चन के आंसर सही देने होंगे, तभी आप एग्ज़ाम में क्वालिफाई होंगे और ड्राइविंग लाइसेंस को हासिल कर पाएंगे। यहाँ पर हर क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको 30 सेकंड का टाइम मिलता है और यहाँ पर हर क्वेश्चन के आपको 4 आंसर दिखाए जाते हैं, जिसमें आपको जो सही आंसर होता है चूज करना होता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर पे अगर आप क्लिक करते हैं तो वहाँ पर ग्रीन कलर का सिंबल आ जाता है और अगर आप कोई भी क्वेश्चन का गलत जवाब देते हैं तो आपको यहाँ पर रेड कलर का मैसेज दिखाई देता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना, हर क्वेश्चन को हल करने के लिए 30 सेकंड का टाइम आपको मिलता है। 30 सेकंड के अंदर अगर आप क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हैं तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। यहाँ पर एग्ज़ाम देते ही जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो आपका जो फाइनल रिजल्ट है आपको पता लग जाता है। यहाँ पर अगर आप एग्ज़ाम में क्वालिफाई हुए हैं तो आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस को 30 मिनट के बाद में इंटरनेट के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आप फेल हैं तो आपको फिर से लर्निंग टेस्ट देना होगा। तो यहाँ पर अगर आप पास होंगे तो कुछ इस तरीके का मैसेज आपके सामने पास का आ जाता है। तो आशा करता हूँ आज के इस वीडियो में आपको ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। आपके मन में कोई सवाल है, किसी भी तरीके का सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।